जैन में सर साथियों, साथियों मैं सत्यन सर बोध गया फिजिकल की टीम में आप सभी को स्वागत करता हूँ। साथियों आज का वीडियो है जो साथियों बहुत ही शानदार जानदार और जिंदाबाद होने साथियों, क्योंकि आज हमारे एकेडमी में बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए अभी बिहार दुर्गा के दो अभ्यर्थी हमारे यहाँ आए हुए हैं और इन लोग का जो है जो फाइनल सिलेक्शन बिहार दुर्गा में हुआ है और भी अभ्यर्थी का हुआ है, बट दूर दराज के अभ्यर्थी हैं हमारे पास अभी नहीं आए हैं। बट देखिए अभी दो अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। देखिए अभी जो है सो यहाँ पे दो अभ्यर्थी हमारे पास आए हुए हैं और इन लोगों का मैं जोरदार स्वागत मैं जो है सो माला से कर रहा हूँ। चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो साथियों देख सकते हैं बहुत ही जोरदार और दमदार तरीके से इन लोगों को मैं स्वागत किया हूं और अभी देखिए मैं मुंह मीठा कर रहा हूं क्योंकि इन लोगों का जो है सो स्वागत आज हुआ है। कहीं ना कहीं इनके पीछे बहुत इन्होंने संघर्ष किया है, पीटी निकाला है, मेंस निकाला है, इन्होंने फिजिकल अच्छा किया है, तब जाकर के जो है सो इस मुकाम तक इन लोग जो है सो पहुंचे हैं और इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस हमारे एकेडमी में रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो कंटिन्यू वालों वीडियो बन रहेगा, रेडी। चलिए मुंह मीठा करिए। तो ढेरों सारी शुभकामना है इन लोगों को। बस ये के साथियों देखिए हमारे एकेडमी में क्या इन लोग का जो है एक्सपीरियंस रहा है, किस प्रकार से जो है ट्रेनिंग इन लोग का मिला है, ये आज इस मुकाम पर जो है सो खड़े हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं परिचय इन लोग इनसे दिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? मंजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए पटना डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ बोध गया फिजिकल एकेडमी बोध गया, ये गया डिस्ट्रिक्ट में मेरा एकेडमी पड़ता है, यहाँ जो है इन्होंने तैयारी किया। देखिए किस प्रकार से हमारे एकेडमी में साथियों तैयारी कराया गया है, तो आइए मैं इनसे परिचय कराता हूँ। आइए सही ना। हाँ बोलिए सर। का एक्सपीरियंस, सर का अनुभव हमको बहुत अच्छा, मतलब फिजिकल में काम किया है क्योंकि कहीं और हम किए थे तो वहाँ लगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई बताया कि बोध गया फिजिकल एकेडमी जाइए और लास्ट में हमारा मतलब यही जो होता है लास्ट में सारा चीज़ हुआ। साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो भाई हैं और भी, मैं किसी एकेडमी का विरोध नहीं करता हूं, और भी एकेडमी में तैयारी कर रहे थे बट इनका ऐसा लगा कि बस हमको यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इनको जो है सो हमारे एकेडमी वाले कोई बंदा ने बताया तो हमारे एकेडमी में आए। इनको हाई जंप साथियों बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनका था कि हाई जंप नहीं हो पा रहा था, मात्र में दो दिन में बहुत ही शानदार तरीके से मैं इनका हाई जंप करवाया और आज देखिए हमारे सामने खड़े, सही बात है कि नहीं? जी सर, जी सर। तो ये सबसे बड़ी बात है, बस उम्मीद तो छोड़ ही दिए थे कि सर मेरा फिजिकल हो। साथियों देखिए उम्मीद छोड़ दिए थे और इनको मैं जब एडमिशन लिया था तो मैं बोला था कि बस आप सही से खाली जो मैं जो बताऊंगा वो टिप्स को फॉलो करिए, बस हौसला रखिए, हौसले से उड़ान होती है और देखिए हौसले से उड़ान होकर के जो है यहाँ पर आज सामने खड़ी है, तो बहुत बड़ी बात है साथियों। चलिए जोरदार क्लैपिंग करो। ये देखिए नेक्स्ट हैं, आइए पहले अपना नाम बताइए। रुपेश कुमार, गया डिस्ट्रिक्ट। देखिए गया डिस्ट्रिक्ट से भाई बिलोंग करते हैं और इनका क्या हमारे एकेडमी में जो है सो तैयारी कराई गई है, तो देखिए आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। बताइए यहाँ पे आने के बाद आप आश्वस्त रहिएगा, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मतलब फिजिकल वगैरह ऐसा कुछ एक्टिविटी करवाया जाता है, तो आप यहाँ पे आकर मतलब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो सकते हैं कि यहाँ पे आप आए हैं तो आपका लगभग 100% जो है गारंटी सर भी लेते हैं और हम भी मतलब यहाँ पे रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हैं कि आपका श्योर यहाँ से फिजिकल का सिलेक्शन होगा। बिकॉज सर भी जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब बहुत ज़्यादा सर जो है बच्चों के प्रति मेहनत करते हैं, तो मतलब सर जो है अपने स्तर से किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ते हैं जिसके कारण जो है मतलब जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होता, वो फाइनली जो है फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, तो आप आ सकते हैं आराम से एकदम, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बहुत बड़ी बात बोले हैं कि जो भी देखिए मैं जो भी फिजिकल का जो भी एक्टिविटी में करवाता हूँ, या हाई जंप हो, गोला हो, लॉन्ग जंप हो, या रनिंग हो, किसी भी ट्रेड का, तो मेरा प्रयास रहता है मैं बच्चों को 100% दूं और मेरा उद्देश्य यही है कि जिस उम्मीद से हमारे यहाँ अभ्यर्थी आते हैं मैं उस उम्मीद पर खड़े उतरूं ताकि हमारे एकेडमी से मैसेज अच्छा जाए और बहुत ही अच्छा खासा हमारे यहाँ सिलेक्शन भी हुए हैं। अभी और भी दरोगा जो दूर दराज से हमारे यहाँ जो भागलपुर से हैं,
बहुत दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो अभी नहीं आए। कुछ लोग ग्रुप डी में हैं, तो भी ड्यूटी में हैं, तो सर बोल रहे हैं कि जैसे ही सर हमको छुट्टी मिलता मैं आ रहा हूं। तो अभी देखिए सिलेक्शन की प्रक्रिया जारी है और भी अभ्यर्थी आने वाले हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं बोलूंगा कि बस जिन भी भाई बहन का रिजल्ट हुआ है, फाइनल मेरिट बना है, वो ढेरों सारी शुभकामना है उन सभी का। और जिनका मेरिट नहीं बना है, तमाम उन भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, बहनों को मैं बोलना चाहता हूं कि बस हताश निराश नहीं होना है, बस निरंतर जो है निरंतर प्रयास करना है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बस जो है सो हार करके नहीं बैठना है। अरे इस बार नहीं हुआ है, मानते हैं कि कुछ नंबरों की वजह से आपका मेरिट नहीं बना हो, लेकिन आपको जो कमी इसमें दिखी है प्रयास करना है, इस कमी को भरपाई करें। और जो नेक्स्ट आपको भर्ती फिर भी दोपहर के आसपास जो है दरोगा का आने वाला है और बिहार पुलिस के भी आने वाला है, तो बस अपना उम्मीद नहीं छोड़ना है साथियों, बस लगातार जो है निरंतर मेहनत करते रहना है, हम आखिरी दम तक जो है सो नहीं छोड़ना है। किस्मत जो है सो परीक्षा लेती है, मे भी हो सकता है कि आपका लास्ट तक आपका हो जाए। बस इसी उम्मीद के साथ जो है सो भरोसा रखिए और अपना तैयारी जो है सो कंटिन्यू रखिए। तो साथियों आप सभी को वीडियो में बन रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ था, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक सभी को जय हिंद।